कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हाल में की गई ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा के बाद यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा रोष है। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पीडब्ल्यूडी हाउस में देहात जिलाध्यक्ष सरोज मीणा का घेराव करते हुए उन्हें जमकर खरी कोटी सुनाई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अभी हाल ही पिपलदा विधानसभा क्षेत्र में सुल्तानपुर ब्लॉक अध्यक्ष पद पर रामकैलाश मेघवाल की नियुक्ति की गई है, लेकिन मेघवाल सांगोल विधानसभा से है और सिमलिया ब्लॉक क्षेत्र में पड़ते हैं। इससे स्थानीय कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया है, क्योंकि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने उनकी उपेक्षा का आरोप भी लगाया और साथ ही ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यदि 7 दिन के भीतर ब्लॉक अध्यक्ष को नहीं बदला जाता है तो सभी सामूहिक रूप से पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। कार्यकर्ताओं ने उनकी परेशानी कुछ इस तरह से बताई। स्थानीय कार्यकर्ता को ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बनाया, इसके लिए हमारा विरोध है और हम इसका विरोध करते हैं। और 7 दिन का हमने टाइम दिया है, अगर ब्लॉक अध्यक्ष को चेंज नहीं किया तो 7 दिन में हम सामूहिक इस्तीफे देंगे और विरोध प्रकट करते हैं हम सब, क्योंकि हमारे ब्लॉक सुल्तानपुर में ब्लॉक का कार्यकर्ता को ब्लॉक अध्यक्ष बनाना था, पर पार्टी ने ब्लॉक के कार्यकर्ता को अध्यक्ष नहीं बनाया और बाहरी आदमी को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया, इसका हम विरोध करते हैं। इसका विरोध करेंगे और जो भी जितने भी अग्रिम संगठन और जितने भी 7 दिन में अगर कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी तो जितने भी संगठन है अग्रिम कार्यकर्ता वो सारे कांग्रेस से एक ही अगर इन कार्यकर्ताओं में जो पार्टी का निर्णय है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं मानती हूँ कार्यकर्ताओं की पीड़ा होती है, लेकिन ये हमारे पार्टी का निर्णय है। कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जाति समीकरण भी देखा जाता है और पार्टी में हमारे उनकी सबको मद्देनजर रखते हुए पार्टी का जो निर्णय होता है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, जो पूरे जिले में जहाँ कार्यकर्ता रुष्ट है उनको मैं मनाने का काम कर रही हूँ पार्टी, ताकि एक मजबूत बने, संगठन बने और हमारी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पीड़ा हम मानते हैं कि होती है, लेकिन इसी तरीके से वास्तव में ऊपर वालों की नीति है कि वो किस चीज़ को देखते हैं, लेकिन सबकी सलाह से अगर नहीं तो कार्यकर्ता की भावना अगर आती है तो इसमें वास्तव में निश्चित तो होती है। लेकिन इसका मैं तो ये कहना है कि मैं मेरे कार्यकर्ता मेरे छोटे भाई हैं, मैं पार्टी के जिलाध्यक्ष हूँ, मेरा काम है, मेरा काम खाली सुल्तानपुर ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं करना, मेरा काम कार्यकर्ताओं का जी की जहाँ भी इटावा में भी इसी तरह घेराव कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर आरोप भी लगाए और जिलाध्यक्ष को घेरते हुए कहा कि यहां पार्टी में पैसों के बल पर नियुक्ति की जा रही है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और चिंताजनक है। उन्होंने पार्टी की कार्यवाही को ऊपर तक पहुंचाने की भी मांग की। क्या मेरे सुल्तानपुर ब्लॉक में SC के लोग नहीं थे? हम लोग राम केला जी का विरोध नहीं करते, लेकिन विरोध इस चीज का करते कि जिस तरह से आपने विधानसभा पीपलदा बी के लोगों को इग्नोर करके उनको एक तरफा करके सांगोद के प्रत्याशी को लागी यहाँ पे रखा है, उससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अभी मेरे पहले जब मैं सुल्तानपुर पहुंचा तो भाई नरेंद्र दादीज का मैंने इंटरव्यू देखा, इन लोगों ने सबने बताया कि सरोज जी मीणा ये कहके गई है कि पैसा ही सब कुछ है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ 8 साल से मैं सुल्तानपुर कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, ये सारी टीम कांग्रेस के लिए जी जान रात दिन एक किया इन्होंने, क्या ये पैसों के लिए काम कर रही थी? मैं ये सीधा आरोप लगाना चाहता हूँ सरोज जी के ऊपर, क्या मेरा जो ब्लॉक चला 8 साल के लिए उसमें पैसे खर्च नहीं किया, चाय पानी नहीं पिलाया हम लोगों ने? आम कार्यकर्ता क्या चाहता है? सिर्फ एक कप चाय? आपसे कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं चाहता है कोई भी कांग्रेस का। लेकिन जिस तरह से आज सरोज जी ने जो घटिया बयान दिया उसकी मैं निंदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे ही ब्लॉक विधानसभा पीपलदा बी जो सुल्तानपुर का ब्लॉक आता है, इससे हमारे पास श्रीचंद ऋषि जी जैसे व्यक्ति हैं, सीताराम जी जैसे हैं, वो बालूराम जी सरपंच जैसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को अगर इग्नोर करके आप कई बात ले जा दो तो हम लोग इसका खंडन करें और इस चीज को हम लोग आगे तक पहुँचाएंगे। उनके साथ हम सब लोग साथ हैं और उनकी भावना को देखते हैं हम भी, जो भी अगर हमारे पास कोई पद रहेगा तो हम भी उस जिम्मेदारी जो कांग्रेस देंगे उसे हम अपना आशीर्वाद। कांग्रेस पहले भी एक थी, आज भी एक है और आदरणीय राहुल जी गांधी, सचिन जी पायलट और अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और 2018 में वापिस विजयश्री प्राप्त करेगी। लेकिन इस तरह से अगर कोई व्यक्ति विशेष किसी व्यक्ति विशेष के लोगों को काट के और बाहर के लोगों को लेके आएगा उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।